इतनी सी बात पे हार मान रही हो? तुमने तो दुनिया में इतने बड़े बड़े चैलेंज फेस किए, ये तो छोटी सी चीज है। अपनी विल पावर इस्तेमाल करो बेटा। देखो तुम दूसरों से नहीं हारी हो तो अपने से कैसे हार सकती हो। शोबिज इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये एक फैमिली है जहां सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये सब फर्जी बातें हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में सीनियर्स को ना इज्जत दी जाती है ना हौसला अफजाई होती है, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हम सब की पसंदीदा अदाकारा बदर खलील ने किया, जिनके साथ एक अवार्ड शो में नामुनासिब सलूक किया गया, जिस पर वो ना सिर्फ शो से उठकर चली गई बल्कि उन्होंने अदाकारी से रिटायर्ड होकर कनाडा मुंतकिल होने का फैसला किया। बदर खलील के साथ अवार्ड में क्या वाकया पेश आया, उनसे नामुनासिब सलूक पर क्या माफी मांगी गई, बदर खलील के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। साथ हो या ना हो, तन्हाई का एहसास अंदर होता है, बाहर नहीं। बाज लोग मजमे में भी अकेले होते हैं, बाज लोग अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। मैं और मेरा दिल दोनों एक साथ चलते, ना वो मुझे तंग करता है ना मैं। हम नेटवर्क पाकिस्तान के मकबूल टीवी चैनल्स में से एक है जिसके ड्रामे देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस चैनल की जानिब से हर साल अदाकारों की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड्स का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बेहतरीन अदाकारी करने वाले फनकारों को उनकी मेहनत का सिला अवार्ड्स की सूरत में दिया जाता है। इन अवार्ड्स में सीनियर्स भी शामिल होते हैं और उन्हें इज्जत देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी अता किए जाते हैं। तहम बाज़ औक़ात ये अवार्ड तनाज़ियात का मरकज बन जाते हैं, जहाँ से नाइंसाफी और अकरबा परवरी की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ अवार्ड के एक फंक्शन में हुआ, जब सीनियर बदर खलील, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए वहाँ मौजूद थीं, अपना अवार्ड अपनी सीट पर छोड़कर शो से बाहर निकल गईं। उस वक्त भी उन्होंने डॉन न्यूज से बात करते हुए कहा था कि अवार्ड शो में उनके साथ जो सलूक किया गया उससे वो हैरान रह गईं। बज़ाहिर उन्हें पिछली सीट पर बैठने को कहा गया क्योंकि फवाद खान को उनकी जगह बैठना पड़ा। इस वाकये के फौरी बाद बदर खलील कनाडा अपने बेटे के पास चली गईं, तो किसी को उनसे पूछने का मौका नहीं मिला कि क्या हुआ। हम अवार्ड में जो कुछ हुआ उसके बाद उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया उसे बदजन होकर उन्होंने ऐलान किया कि वो अदाकारी को जारी नहीं रखेंगी। फैसल कुरेशी ने बदर खलील को अपने शो में मधु किया और उन्होंने शो में कहा कि उन्होंने सबको माफ कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बार फिर वाकया सुनाया। कहा, मैंने अपना अवार्ड वसूल किया था और मैं सामने वाली सुल्ताना सिद्दीकी के साथ वाली सीट पर बैठी थी कि सुल्ताना सिद्दीकी को फवाद खान का फोन आया। मैं सुन सकती थी वो कह रहे थे अगर उनके साथ बैठने के लिए फ्रंट सीट नहीं मिली तो वो शो में नहीं आएंगे। उस वक्त सुल्ताना सिद्दीकी ने मुझे पिछली सीट पर बैठने को कहा। इस सारे मामले में मेरा मसला ये था कि सुल्ताना सिद्दीकी ने दूसरी तरफ बैठी अपनी बहू मोमना दरीद से फवाद खान के लिए सीट छोड़ने को क्यों नहीं कहा। ये वाकया एक बड़े तनाजे में बदल गया था और अवाम ने बदर खलील की हिमायत की। इसके बाद बदर खलील ने कभी भी अवार्ड शो में शिरकत न करने और अदाकारी छोड़ने का फैसला किया। बदर खलील के बकौल फवाद खान का कसूर नहीं, ये सुल्ताना सिद्दीकी का कसूर था, क्योंकि बतौर मेजबान वो इस फैसले की जिम्मेदार थी। जब उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा तो मैं अपना अवार्ड वहीं छोड़कर चली गई। ये अवार्ड मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते, ये सजावट के सिवा कुछ नहीं। वाकई यहाँ बात ये है कि जब हम इन अवार्ड फंक्शंस में मधु होते हैं तो हमें क्या एहतराम मिलता है। बदर खलील ने कहा कि पीटीवी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और उन्होंने हकीकी मानों में उन्हें वो पजीराई और एहतराम दिया जो किसी ऐसे शख्स के लिए मौजूद था जिसे वो अवार्ड मिल रहा था। बदर खलील ने ये भी कहा कि वो कनाडा जा रही हैं और वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वो पाकिस्तान में वापस आकर अदाकारी सिखाएंगी। बताइए जी, क्या बताऊं? मेरा मतलब है साहब, आइए बगैर तकल्लुफ के बताइए। कह गई न जाने मुझे आपसे क्यों हमदर्दी हो गई है, आपको शायरी का शौक नहीं? वो बुजुर्ग अदाकारा जो हर किरदार में अंगूठी के नगीने की तरह फिट हो जाती हैं, चाहे वो शहजाद खलील के ड्रामे बी जमालों का भूत हो, तन्हाइयां की आनी और अनकही की जकिया, कौन भूल सकता है। हाल ही में कुदूसी साहब की बेवा में अकीला बुआ या शक में जालिम सास का किरदार उनकी चंद मिसालें हैं, तो फिर उनके जैसे एक अदाकार को शोबिज में इतना तवील अरसा गुजरने के बाद अफसुर्दगी का एहसास क्यों हो रहा है। एक इंटरव्यू में बदर खलील ने इंडस्ट्री की हकीकत को बेनकाब करते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया और अब इंडस्ट्री को मेरी कोई जरूरत नहीं। गुज़श्ता बरसों में क्रू और साथी अदाकार तो मेरे साथ अच्छे रहे, मगर मुझे लगता है चैनल मालिकान और प्रोडक्शन हाउसेस के मालिकान सीनियर्स के साथ वैसा सलूक नहीं करते जैसा किया जाना चाहिए। उनका रवैया कुछ ऐसा होता है, बदर खलील उनका नाम डाल दो फिर कुछ दिन बाद निकाल देना। मेरा नाम हमेशा क्रेडिट्स में शामिल नहीं होता, चाहे मैंने मजबूत मुखालिफ या स्पोर्ट रोल ही क्यों ना किया हो। मेरे मनाजिर को स्टिल या प्रोमोस का कभी हिस्सा नहीं
नहीं बनाया जाता। मैं अपने ड्रामे अक्सर नहीं देखती, तहम अगर मुझे मौका मिले तो कभी ना कभी मुझे जरूर हैरत होती है कि आखिर कुछ मनाजिर इतने लंबे क्यों हैं और कुछ मनाजिर को नशर क्यों नहीं किया गया। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई देता है, तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो उसकी आवाज सुनाई देती है, तुम हंसते हो तो वो मेरे सामने मुस्कुराती है। मैं दो टुकड़ों में बटे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। बदर खलील दिल्ली बरतानवी हिंदुस्तान में एक कश्मीरी वालिद के यहाँ पैदा हुई। उनके खानदान 1947 में तकसीम के दौरान लाहौर मुंतकिल हुए, लेकिन अब वो कराची में मुकीम हैं। वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन में कुछ अरसा काम करने के बाद अपने शोहर शहजाद खलील के साथ कराची मुंतकिल हुई। बदर खलील का पहला ड्रामा अनकही था, जो कि तजुर्बाकार पाकिस्तानी ड्रामा निगार हसीना मोइन का लिखा हुआ एक क्लासिकल टीवी ड्रामा था। बदर खलील ने अपने शोबिज करियर का आगाज 1968 में पीटीवी पर बच्चों के शोज में बतौर एंकर किया। इब्तदाई तौर पर बदर खलील के ड्रामे बी जमालों में अपनी परफॉर्मेंस के लिए पहचान हासिल की, जिसमें उन्होंने खुद बी जमालों का किरदार अदा किया, जिसकी हिदायतकारी शहजाद खलील ने की, जिससे उसने ड्रामा हिट होने से चंद साल कबल शादी की थी। पीटीवी लाहौर टीवी सेंटर में मुख्तसर वक्फे के बाद बदर खलील अपने शौहर के साथ कराची शिफ्ट हुई। बदर के शौहर एक मशहूर पाकिस्तानी टीवी डायरेक्टर थे। बदर खलील को बहुत मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा जब उनके शौहर 1989 में 45 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बदर खलील के दो बेटे हैं, एक पाकिस्तान में मुकीम है जबकि दूसरा बेटा कनाडा में रिहायश पजीर है। बदर खलील ने कई टीवी ड्रामा सीरियल में काम किया, उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों को मौसर तरीके से निभाया। बदर खलील के साथ अवार्ड शो में जो सलूक हुआ वो काबिले मुजम्मत था। इस हवाले से सुल्ताना सिद्दीकी और हम चैनल को बाकायदा तौर पर उनसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा शोबिज इंडस्ट्री को भी चाहिए था कि वो इस मामले में बदर खलील की हिमायत में खड़े होते, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सीनियर्स को इज्जत ना होने के बराबर दी जाती है। जब वो जिंदा होते हैं तो उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनके खिदमात को फरामोश किया जाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हर कोई उनके गीत गाता दिखाई देता है। आखिर हमारी इंडस्ट्री कब इस दोहरे मयार से अपनी जान छुड़वाएगी? कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ठीक बातें कर रहा हूँ मैं। होश में हो तुम? होश में आ गया हूँ मैं। शहनयार तुम गुस्सा क्यों करते हो? सहूलत से बात करो ना। देखो मैं भी तो परेशान हूँ, प्लीज मजाक छोड़ो, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल डूब रहा है।